आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 15, जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैव विविधता, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ जीवन यापन करती हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पूरे पृथ्वी पर कुल मिलाकर के 1.8 मिलियन जीवों की अलग अलग क्या है, प्रजातियाँ। हमारे पूरे पृथ्वी पर कितना, लगभग 18 लाख जीवों की अलग अलग प्रजातियाँ हैं। ये सभी प्रजातियाँ क्या करती है, यहाँ पर जीवन यापन करती है। इन सभी प्रजातियों में खास प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, इसके अंतर एक खास प्रकार का अंतर पाया जाता है। इसी अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव विविधता। इस अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव विविधता। फिर से पहले हेडिंग समझ लीजिए, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे पूरे पृथ्वी पर वर्तमान समय के रिसर्च के अनुसार लगभग 1.8 मिलियन जीवों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इन सभी प्रजातियों के जो जीव हैं, इन जीवों में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, इन जीव में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। इसी अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग जंतु हैं, या मुख्य रूप से हम लोग पांच भाग में बांट के रखे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया। इन पांचों में भी तो आपका कोई ना कोई अंतर है। या फिर अगर हम एनिमिलिया की बात करें तो जैसे मान लो शेर, उसकी अलग क्वालिटी है, घोड़ा है उसकी अलग क्वालिटी है, गधा है उसकी अलग क्वालिटी है, मनुष्य है उसकी अलग क्वालिटी है। मतलब जितने भी हमारे यहाँ प्राणी हैं, सभी प्राणियों में कुछ ना कुछ क्या है, अंतर है। इसी अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। इसके बाद है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है कि पिछले कुछ वर्षों से हम लोग अपने आसपास में इतना अधिक जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं, हम अपने आसपास में इतने अधिक पॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ता जा रहा है। हमारी पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हमारे पृथ्वी की तापमान बढ़ेगा तो इसका निश्चित रूप से यहाँ पर निवास करने वाले जीवों के जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बहुत सारे जीव इस बढ़ती हुई तापमान को, या हमारे पृथ्वी पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन स्थितियों को ये सहने में क्या है, असक्षम है, जिसके कारण या तो इसकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, या फिर बहुत सारी प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो भी चुकी है, समझे ना। अतः इस प्रकार की प्रजातियों को बचाने के लिए हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव विविधता का संरक्षण, यानी जैव विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं इसका हम लोग क्या करेंगे, संरक्षण बोलेंगे, यानी अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन बोलेंगे। हमने हेडिंग समझा, पहला था बायोडाइवर्सिटी और दूसरा है कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ बहुत सारे जीव हैं इस पृथ्वी पर, और उन सभी जीवों में कुछ ना कुछ अंतर है। इस अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। और इन जीवों का जो प्रजाति है, या तो कुछ विलुप्त हो रहा है, या फिर बहुत सारे प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, इनको बचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन बोलेंगे, समझे। तो यहाँ तक आपने पहला परिभाषा समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 3.6 मिलियन वर्ष पहले हुई है। यानी अगर हम बात करें कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो आज से लगभग 3.6 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। और हमारे पृथ्वी पर जो सबसे पहला जीव था ना, वो वायरस था। कौन था, वायरस था। और धीरे धीरे अब तो बहुत सारी प्रजातियां उत्पन्न हो चुकी है, और वर्तमान जो डाटा है हम लोगों के पास, इसके अनुसार लगभग 1.8 मिलियन जीवों की अलग अलग प्रजातियां हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं।
तो ये हम लोग का था हेडिंग का, जो ये शीर्षक बना हुआ है उसका हम लोग व्याख्या किए। देखिए आगे जो है, अब थोड़ा सा इसमें ये जानना है कि आखिर जो ये जैव विविधता शब्द है, इस जैव विविधता शब्द को सर्वप्रथम किसने इसका प्रतिपादन किया या फिर ये कब उपयोग में आया। देखिए कहता है जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे, पौधे का मतलब जितना भी प्लांट है हमारे यहाँ, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता के लिए किया जाता है। यानी हमारे पृथ्वी पर मुख्य रूप से तीन टाइप के प्राणी रहते हैं, या तो जंतु जिसमें कि हम लोग भी आते हैं, या तो पेड़ पौधा क्या जी जो स्वपोषी है, या फिर सूक्ष्म जीव जो कि हम लोगों को अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। इन सभी जीवों में जो अंतर है उसी अंतर को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैव विविधता शब्द का उपयोग करते हैं, जैव विविधता शब्द का उपयोग करते हैं। देखिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग, यानी यहाँ पर सिर्फ बोल रहे हैं प्रयोग, जैव विविधता शब्द का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम नर्स नर्से तथा मैकमेंसन, याद रखिएगा नर्से तथा मैकमेंसन, ये दो वैज्ञानिक का नाम है, नर्से तथा मैकमेंसन, यानी जैव विविधता शब्द का सिर्फ ये प्रयोग किया है, जैव विविधता शब्द का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया, जिसका नाम क्या है, मैकमेंसन, और दूसरा क्या नाम था, नर्से। ये दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया, जैव विविधता शब्द का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, कब प्रयोग किया, 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, कब प्रयोग किया, 1980 ईस्वी में। फिर इसके बाद 1985 ईस्वी में डब्ल्यू जी रोजेन, क्या बोल रहे, डब्ल्यू जी रोजेन नामक वैज्ञानिक ने जैव विविधता का प्रतिपादन किया। अगर आपको कोई पूछे जैव विविधता का प्रतिपादन किसने किया, तो कौन है जी, डब्ल्यू जी रोजेन, कौन है, डब्ल्यू जे रोजेन नामक वैज्ञानिक ने कब, 1985 ईस्वी में क्या किया, सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किया, सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किया। और इन्होंने क्या किया, नाम भी बदला, नाम क्या बदला, पहले इसको जैविक विविधता के नाम से जानते थे, जो हमारा भी जैव विविधता है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था, जैविक विविधता के नाम से जाना जाता था, इस नाम को बदलकर इन्होंने इसे इसका नाम क्या रख दिया, जैव विविधता। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझिए कि अगर बात एग्जाम में आपको पूछे कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग, यानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो क्या होगा, नर्से एवं मैकमेंसन नामक वैज्ञानिक ने, कब, 1980 ईस्वी में, इन्होंने सिर्फ शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने क्या किया, सिर्फ शब्द का प्रयोग किया। लेकिन अगर कहेगा कि इसका प्रतिपादन किसने किया, तो इसका प्रतिपादन किया है डब्ल्यू जी रोजेन नामक वैज्ञानिक ने, समझे। और जैव विविधता शब्द को पहले किस नाम से जाना जाता था जी, जैविक विविधता के नाम से जाना जाता था, इन्होंने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, जैव विविधता रख दिया, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, जैव विविधता रख दिया। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। देखो आगे हम लोग जानेंगे कि जैव विविधता के प्रकार, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, दोनों एक ही बात हुआ, कहीं कहीं ये डाइवर्सिटी भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं बायो डाइवर्सिटी, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, समझे, कहीं कहीं डाइवर्सिटी भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं बायो डाइवर्सिटी लिखा रहेगा। बायो डाइवर्सिटी, देखिए यहाँ पर जो जैव विविधता है इसके कुल मिलाकर के तीन प्रकार होते हैं, कितने प्रकार, तीन प्रकार, बायोडाइवर्सिटी के कितने प्रकार, तीन प्रकार। पहला होता है आनुवांशिक विविधता, पहला क्या होता है, आनुवांशिक विविधता, पहला क्या होता है, आनुवांशिक विविधता, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा होता है जातीय विविधता, स्पीशीकल डाइवर्सिटी, समझे, दूसरा क्या होता है, जातीय विविधता। और तीसरा होता है परितंत्र, या फिर इसका दूसरा नाम होता है पारिस्थितिक तंत्र,
समझे? तो ये दोनों समझिएगा, इसका परितंत्र बोलिए या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र विविधता, यानी इकोलॉजिकल डायवर्सिटी, इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। देखिए आधा से अधिक परिभाषा नाम से पता चल, अनुवांशिक यानी जीवों के अंदर, अब मान लो कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, उसके जीन्स होते हैं, जीनेन होता है जी, जो कि डीएनए बोलिए जीन बोलिए, यानी जीवों के शरीर के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो जीव का अपना जीन होता है, जीव का अपना क्या होता है, जीन होता है। अब अगर अलग अलग जीवों में अगर आप तुलना करेंगे तो उसमें क्या होगा, अलग अलग प्रकार का जीन पाया जाएगा, अलग अलग प्रकार का जीन पाया जाएगा, उसके अंदर उसकी अपनी अनुवांशिक गुण पाए जाएगी। अगर उसके आधार पर जीवों में अंतर किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवांशिक विविधता। क्या बोलेंगे, अनुवांशिक विविधता। क्या बोलेंगे, अनुवांशिक विविधता। जैसे कि हम लोग पूरे पृथ्वी पर 6 अरब हैं, कितना है, 6 अरब हैं। अब सभी लोगों का अगर डीएनए टेस्टिंग कराया जाए तो उस सब में अंतर दिखेगा, और ये अंतर क्या है, उसके जीन के आधार पे अंतर होगा, है ना। मैंने आपको पहले बताया था छठा एक्सरसाइज में कि जीवों के शरीर के अंदर जितना भी न्यूक्लियोटाइड होता है वो 99.99% लगभग एक समान होता है, लेकिन 0.1% जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है उसमें क्या है, असमानता है, और उसी असमानता को आधार मान करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया गया था, क्या जी। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या करता है, प्रत्येक जीवों के बीच कुछ ना कुछ अंतर बताता है कि नहीं है, प्रत्येक जीव के बीच कुछ ना कुछ क्या बताता है, अंतर बताता है। तो जब जीवों के बीच उसके आनुवांशिक पदार्थ को आधार मानकर अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाए या उसमें वेरिएशन देखने को मिले, तो इस प्रकार के वेरिएशन को, इस प्रकार के विभिन्नता को हम लोग क्या बोलेंगे, आनुवांशिक विविधता। क्या बोलेंगे, आनुवांशिक विविधता बोलेंगे। दूसरा है जातीय विविधता। क्या है, जातीय विविधता। हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव है ना, सबको, सबकी अपनी अलग अलग जाति होती है, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, जाति होती है, स्पीसीज होती है कि नहीं जी। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, स्पीसीज होती है, बैक्टीरिया वायरस या जितने भी जीव आम, सबकी अपनी अपनी क्या है, अलग अलग स्पीसीज है, उसकी अपनी अपनी जाति है, प्रजाति है, जिसको जीनस बोलते हैं। अगर उसके आधार पर जीवों में अगर अंतर किया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जातीय विविधता। क्या बोलेंगे, जातीय विविधता। और तीसरा होता है परितंत्र विविधता। क्या होता है, परितंत्र विविधता। अगर एक ही स्पीसीज के जीव को अगर अलग अलग स्थान पे रखा जाए ना, तो उसके बावजूद भी उसको स्थान के आधार पर उसमें आपको अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो दो गो जुड़वा भाई पैदा ले भारत में, एक को भारत में रहने दीजिए और एक को बचपन से इंग्लैंड भेज दीजिए, तो जो इंग्लैंड वाला बच्चा होगा ना और जो भारत वाला बच्चा होगा, दोनों के बीच आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। एक का कलर काफी ज्यादा गोरा हो जाएगा और एक का कलर जो है सांवला रह जाएगा। तो आप बताइए, दोनों एक ही ना था जी, लेकिन दोनों में क्या हो, स्थान के कारण उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, पारितंत्र विविधता या फिर पारिस्थितिक तंत्र विविधता, पारितंत्र विविधता या फिर पारिस्थितिक तंत्र विविधता। यानी कुल मिलाकर के जैव विविधता के कितने प्रकार, तीन प्रकार। कितने प्रकार, तीन प्रकार। पहला कौन सा, आनुवांशिक विविधता। पहला कौन सा, आनुवांशिक विविधता। दूसरा कौन सा, जातीय विविधता। और तीसरा कौन सा, परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र विविधता, परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो ये तीन प्रकार की विविधता इसमें देखने को मिलती है। देखिए इसी का डिस्कस किया गया होगा आगे, फिर से एक बार शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। हाँ बोलिए, किसको, पारितंत्र विविधता, फिर से बोल दें, सुने दें। पारितंत्र विविधता का मतलब होता है कि जब एक ही जाति के जीव को या फिर एक ही स्पीसीज के जीव को अगर हम अलग अलग स्थान पे रखते हैं तो स्थान के आधार पर भी उसमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की विभिन्नता को हम लोग क्या बोलेंगे, पारिस्थितिक तंत्र विविधता बोलेंगे। ये क्या हो रहा जी, इस प्रकार के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, पारिस्थितिक तंत्र विविधता बोलेंगे। हाईजैक करके रख दिया था ना।
बताइए, एक कीड़ा यहाँ बैठ गया, बोर्ड काम करना बंद कर दिया, एक छोटा सा कीड़ा पूरे बोर्ड को हाईजैक कर लिया, क्या बात। चलिए चलिए, समझ में आ गया ना। इसमें एग्जाम्पल भी आपको बताया कि जैसे मान लो, एक और उदाहरण दे देते आपको अगर इसको नहीं समझे। जैसे मान लीजिए नाग, नाग को समझते हैं ना, एक ही स्पीसीज का नाग होता है, कहीं उसको धामन के नाम से जाना जाता है, समझा, कहीं उसको काला नाग बोलते हैं, कहीं उसको सफेद नाग बोलते हैं ना जी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो पहाड़ में जो बर्फ में नाग रहेगा ना वो सफेद हो जाएगा, जो मरुस्थल में रहेगा ना उसका कलर लाल हो जाएगा, जो मृत पहाड़ में यानी जंग जो पहाड़ मरा हुआ जंगल वाला पहाड़ है अगर उसमें रहेगा तो काला नाग हो जाएगा, और वही नाग अगर बिहार में रहेगा ना तो उसको धामन सांप कहते हैं। तो आप समझ में आ गया ना कि एक ही प्रजाति के जीव को जब हम लोग अलग अलग स्थान पे रखते हैं तो स्थान के कारण भी उसमें क्या हो जाता है, विभिन्नताएं हो जाती है। स्थान के कारण भी उसमें क्या हो जाएगी, विभिन्नताएं हो जाएगी। इस विभिन्नता को, इस अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र विविधता, परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र विविधता। देखिए अब इसी तीनों को क्या किया है कि अलग से डिस्क्राइब किया गया, इस तीनों को क्या किया गया, अलग से डिस्क्राइब किया गया। देखिए अनुवांशिक विविधता आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा विविधता जिसमें क्या होता है कि स्पीसीज के अंदर जो जीन्स है, स्पीसीज के अंदर जो जीन्स है इसको आधार मान करके, जीन्स का मतलब अनुवांशिक पदार्थ, इसको आधार मानकर जब इसमें जीवों में अंतर होता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवांशिक विविधता बोलेंगे। अनुवांशिक विविधता से हरित क्रांति को बहुत अधिक लाभ मिला। देखो हरित क्रांति का मतलब क्या होता है कि 1960 से 70 के दशक के बीच में भारत सरकार ने क्या किया कि भारतीय किसानों के फसल पैदावार को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले खाद और बीज का उपयोग कराया और किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से खेती करने के लिए प्रेरित किया। और स्थितियां ये हुई कि पहले जिस खेत में जितना फसल उपजता था ना उससे 2.5 गुना ज्यादा फसल पैदावार जो है खेत में उपजना शुरू हो गया। इस क्रांति को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमारे देश में अनाज को लेकर के काफी किल्लतें थी, अनाज को लेकर इतनी समस्याएं थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते थे कि लोगों को एक दिन का उपवास कर, सॉरी एक टाइम का ही उपवास कर लेना चाहिए, अगर सुबह खाना खाए तो शाम में मत खाइए, और अगर सप्ताह में सब दिन खाते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन उपवास रखिए, ये नहीं कि भगवान के लिए, आप अपने देश में अनाज को थोड़ा सा बचाने के लिए, आप बताइए ये परिस्थितियां थी। लेकिन जब से हरित क्रांति हुई तो हम लोगों की ये जो अनाज वाली समस्याएं थी वो खत्म हो गया, क्योंकि जिस खेत में पहले एक एक कट्ठा में एक मन अनाज उपजता था अब हरित क्रांति के कारण एक खेत में उसमें क्या हुआ, 2.5 मन जो है अनाज उपजना शुरू हो गया। तो ये जो हरित क्रांति हुआ है हमारे देश में इसमें अनुवांशिक विविधता का भी रोल, मतलब अनुवांशिक विविधता का लाभ मिला किसको, हरित क्रांति को मिला, समझे। और इसमें अलग अलग प्रकार के किस्म का जो है ना फसल पैदावार को बढ़ावा देने का उपाय किया गया। तो अनुवांशिक विविधता से किसको लाभ मिला, हरित क्रांति को, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। देखिए अब इसी में सब है, दूसरा आपको अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुवांशिक विविधता के कारण ही भारत वर्ष में लगभग 1000 से ज्यादा आम की फसलें विकसित हुई है। आम है ना हमारे देश का सबसे प्रिय फल है आम, जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी, और आम को हम लोग क्या बोलते हैं, फलों का राजा भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे भारत में 1000 से अधिक आम की अलग अलग प्रजातियां, हम लोग मुश्किल से 5-6 या ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 आम खाते हैं ना जी, मालदेह हो गया, सिकुल हो गया, बिज्जू हो गया, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आम होता होगा क्या जी। लेकिन हमारे पूरे देश में आम की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 1000, कितने 1000, समझ जाइए। अब आम भी तो एक प्रकार का फल है, अब उस आम में भी क्या है उसके जीन्स के आधार पर अलग अलग क्वालिटी है, वेरिएशन है, और जिसके कारण एक आम की लगभग कितने प्रजाति, 1000 प्रजाति, और इन सभी प्रजातियों में कुछ ना कुछ अंतर होगा ना जी।
इसी अंतर को तुम लोग क्या बोलेंगे, आनुवांशिक विविधता। क्या बोलेंगे? आनुवांशिक विविधता। इस अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? आनुवांशिक विविधता बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब इसमें इसी के कारण 50,000 से धान, 50,000 से भी अधिक धान की प्रजातियां पाई जाती है। अब बताइए, धान एक ही है, अब अगर उसमें हम लोग उसके जीन्स के आधार पर अगर अंतर गिने ना, तो 50,000 अलग अलग धान की प्रजातियां पाई जाएगी। तो ये इसका क्या है, अंतर है। और इस सभी को हम लोग आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा नंबर जो है आपका जातीय विविधता। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की संख्या एवं स्पीसीज में पाए जाने वाले अंतर को जातीय विविधता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एनीमिलिया है। अब एनीमिलिया में ही क्या है कि अलग अलग प्रकार के जीव आते हैं, और सब जीव का अपना अपना एक अलग अलग जाति का है, और उसके भी आधार पर उसमें अंतर है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जातीय विविधता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जातीय विविधता बोलेंगे। जैसे एक जंगल में कई जाति के जीव रह सकते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, लोमड़ी हो गया, क्या जी, बहुत सारे जीव उसमें रह सकते हैं, और सब के सब क्या है, अलग अलग जाति के हैं, और इसके आधार पर अगर उसमें अंतर करोगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जातीय विविधता बोलेंगे, है ना। सबका एग्जाम्पल लिखा गया। और परितंत्र विविधता, मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हम लोग एक ही प्रकार के जीव को जब अलग अलग क्षेत्र में रखते हैं तो उस क्षेत्र के भी आधार पर उस जीवों में अंतर हो जाता है। इस अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र विविधता। परितंत्र एवं पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखे कि जो ये बायोडाइवर्सिटी है ये कितने प्रकार के है, तीन प्रकार के। तो तीनों टॉपिक खत्म हो गया। चलिए आगे है, कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र विविधता को क्या है, पारिस्थितिक तंत्र विविधता को तीन भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिक तंत्र विविधता को तीन भागों में बांटा गया। पहला कौन है, अल्फा विविधता। पहला कौन है, अल्फा विविधता। दूसरा कौन है, बीटा विविधता। और तीसरा कौन है, गामा विविधता। समझे? अगर आप अब यहाँ पर क्या, पारिस्थितिक तंत्र विविधता को, पारिस्थितिक तंत्र विविधता को पुनः कितने भाग में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला कौन सा, अल्फा विविधता। दूसरा बीटा विविधता। और तीसरा गामा विविधता। अब अगर हम एक एक करके अध्ययन करें तो देखिए, अल्फा विविधता का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए कि यह जीवधारियों की विविधता अर्थात दिए गए आवास, दिए गए आवास, आवास का मतलब जहां पर वो रह रहा है, आवास एवं समिष्टि, समिष्टि का मतलब समुदाय होता है, आवास का मतलब घर हुआ और समिष्टि का मतलब हुआ समुदाय, में जातियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, में जातियों के संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो कि एक समुदाय में अलग अलग प्रकार के जीव रहेंगे, जैसे मान लो कि अगर इसी जगह एक कॉलोनी बना लिया जाए, तो ऐसा नहीं कि इस कॉलोनी में आप ही रह रहे हो, आपके साथ साथ कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, बिच्छू भी है, कीट भी है, पतंग भी है, बहुत सारे जीव हैं। अगर बात करोगे ना तो आपके ही समुदाय में करोड़ों जीव रह रहा, लेकिन आपको लगता है कि ये तो पूरा का पूरा मोहल्ला मेरा है कि नहीं है। और उन सभी जीवों के बीच में जो अंतर होगा या उसकी संख्या को प्रदर्शित करने वाला जो विविधता होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा विविधता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा विविधता बोलेंगे। देखिए कह रहा है कि इस प्रकार की विविधता में उन जीवों की विविधता होती है जो समुदाय के होते हैं तथा एक निवास स्थान में पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जैसे आपका ही घर है तो आपको लगता है कि मेरा घर है, लेकिन वास्तव में उस घर में आपके अतिरिक्त भी कई अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। चूहा भी रहता है ना जी, कॉकरोच, बिच्छू, छिपकिल्ली, देखे है ना, बहुत सारे कीट पतंग सब आपके घर में रहते हैं, आपके आसपास के समुदाय में रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरा है। देखिए इन सभी में जो अंतर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा विविधता। क्या बोलेंगे, अल्फा विविधता। दूसरा होता है बीटा विविधता। एक निवास स्थान में विभिन्न समुदाय पाए जाने वालों के बीच पाई जाने वाली विविधता को, जैसे एक निवास स्थान में विभिन्न समुदाय में पाए जाने वाले जो अंतर होता है, जैसे मान लो कि हमारा एक समुदाय है और हमारे बगल का एक समुदाय है,
अब उन दोनों समुदाय में जो जीव रहते हैं उन दोनों जीवों में कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा। जैसे आप सुने होंगे कि आप लोग का लैंग्वेज बदल जाता 8 किलोमीटर के बाद, है कि नहीं है, लोगों के रहने का स्टाइल बदल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपका समुदाय और आपके बगल वाला समुदाय, इन दोनों में रहने वाले जीवों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। उस अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा विविधता। क्या बोलेंगे, बीटा विविधता। और तीसरा होता है गामा विविधता, वैसा विविधता जो संपूर्ण जैव भौगोलिक क्षेत्रों में आवास की विविधता को प्रदर्शित करता है। यानी पूरे जितना भी संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, जितना भी जीव है, उन सभी जीवों में जब आपको अंतर करना होता है तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ अंतर हो ही जाएगा। इस अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, गामा विविधता बोलेंगे। यानी एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा और तीसरा हो गया गामा। अल्फा मतलब हो गया कि आपके आवास तक में अंतर, बीटा का मतलब हो गया कि आपके समुदाय टू समुदाय में रहने वाले जीवों के बीच अंतर, और गामा का मतलब हो गया कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल जहां पर पूरी जीव रहती है उन सभी जीवों के बीच में जो आपसी अंतर है, उस अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, गामा विविधता बोलेंगे। तो यानी आपको अभी तक में हम लोग जैव विविधता को कितने भाग में बांटे, दो भाग, दो तरह से। पहला हम लोग बांटे 3 आधार पे, जिसमें के आनुवांशिक, जातीय और क्या था, परितंत्र विविधता था। और फिर से हम लोग बांटे अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। यहां तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आपको बताएंगे कि जैव विविधता का वितरण क्या है, जैव विविधता का वितरण क्या है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी मतलब हमारा जो ये जैव विविधता है इसको हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से इसको बांटते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों की वर्तमान समय में 1.8 मिलियन प्रजाति पाई जाती है। कितने, 1.8 मिलियन। आप इसको अगर मैथमेटिकल टर्म से देखो तो लगभग 18 लाख। कितना, 18 लाख। और ये नहीं कि इतने हैं, अभी तक इतना पर हम लोग का रिसर्च हुआ है, हम लोग इससे परिचित हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि अभी तक में मात्र हम लोग समुद्र का 5% भाग में ही अध्ययन किए हैं। 95% समुद्र का भाग अभी भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। अगर इस पे हम लोग रिसर्च करते हैं ना तो निश्चित रूप से और भी कई प्रजातियां जो है हमारे सामने प्रकट हो सकती है। वर्तमान समय में हम लोग के जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर कितनी प्रजाति है, 1.8 मिलियन प्रजाति है, समझे ना। करा कि विश्व में पाए जाने वाले स्पीसीज में, हमारे पूरे दुनिया में जितना भी स्पीसीज है ना, इसका 70% से अधिक जंतु की प्रजाति है। जंतु यानी एनिमिलिया जगत के जो जीव हैं उसमें 70% प्रजाति है। और इस एनिमिलिया में भी लगभग 70% जो प्रजाति जीव है ना वो कीट का होता है। किसका होता है, कीट वर्ग का होता है। 70% किसका है, कीट वर्ग का, इस बात को याद रखिएगा। यानी एनिमिलिया में 70% जंतु, और उस जंतु में 70% कौन है, अकेले कीट है। कीट के अंतर्गत कौन कौन आएगा, जैसे टिड्डा हो गया, समझ गए ना, जितना भी कीट मच्छर मक्खी ये सब जितना भी है ना वो सब के सब किस में आते हैं, कीट में आते हैं। इसकी इसकी तादाद यानी इसकी जो जनसंख्या है ये काफी अधिक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक लगभग 22% ही स्पीसीज का पता चल पाया। अब बताइए इसमें, इधर सुनो उधर देख रही, इसमें 100% क्या सच्चाई नहीं पता, लेकिन अभी जो हमारे पास में कुल मिलाकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज है, और हम मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अभी तक उतना ही डाटा है जितना की जानकारी हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग समुद्र का अध्ययन करने में अभी तक असक्षम है। अभी भी जो हिमालय के बहुत सारे क्षेत्र हैं उसका अध्ययन हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाए, अभी भी हम लोग ध्रुव पर अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाए। अगर टोटली अगर बात करें ना तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मात्र 22% जीव का ही हम लोग अभी तक अध्ययन कर पाए हैं। 22% जीव का अध्ययन के इसका मतलब 78% अभी हमारा जो है ना स्पीसीज का खोजना बाकी है। अगर इसको खोज लेंगे तो अभी 18 लाख स्पीसीज हम लोग घर हैं,
करोड़ों की संख्या में स्पीसीज हमारे पृथ्वी पर मौजूद हो सकते हैं। आए दिन बने के प्रत्येक दिन कोई ना कोई स्पीसीज को जो है ना वैज्ञानिकों के द्वारा ढूंढा जा रहा है, समझे। और इसमें से अगर कोई ऐसा स्पीसीज होता है जो हमारे लिए खतरनाक हो तो उसके बारे में पूरे विश्व को जानकारी मिल जाती है। अगर खतरनाक नहीं है तो फिर उसके बारे में हम लोग को जानकारियाँ नहीं आता, बस डाटा में ऐड हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले कोरोना की अलग अलग प्रजाति मिल रही थी ना, कोविड 19 कप्पा वेरिएंट अल्फा भी सब आ रहा था ना जी, और हम लोग में तबाही मचा रहा था। हम लोग रोज न्यूज चैनल के हेडलाइंस में पढ़ते थे कि ये प्रजाति का कोरोना आ गया, क्या जी। अभी भी बीच में डराने के लिए बोल देता है कोई अपनों मन से एडिट करके, अरे फलना वेरियंट का कोरोना आ रहा है। बीच में कौन ने बोला के पाठक वेरियंट आ रहा है, समझे। बाद में पता चला वो शिक्षा विभाग का सचिव है। तो लोग जो है बोलते हैं मेरा मानना नहीं है ऐसा कि लाइव कर रहे हैं हमारे पर एफ आई आर करवा दे, समझे। तो ये हमारा स्थिति है, समझे। तो कुल मिलाकर के अभी तक में हम लोग कितना मात्र 22% जीवों के स्पीसीज के बारे में जानकारियां जुटा पाए हैं। और अगर सब स्पीसीज का पता चल गया तो और भी अधिक स्पीसीज जो है उसकी बढ़ने की संभावनाएं पृथ्वी पर है, समझे। आगे देखिए, समय का भी ध्यान रखिएगा। कहता है कि समुद्र में पाए जाने वाली, ध्यान सुनो, अधिकांश प्रजातियां, समुद्र में पाए जाने वाली अधिकांश प्रजातियों का अब तक वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगा पाना संभव नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि अभी तक मात्र 5% समुद्र का ही हम लोग अध्ययन कर पाए। 95% समुद्र हमारे लिए अभी भी क्या है, रहस्य बना हुआ है, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जितना गहराई में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे जीव होंगे ही जो कि समुद्र की गहराइयों में भी क्या है अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होगा। तो अगर हम लोग 95% और समुद्र का अध्ययन करते हैं तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा दुनिया ही प्रकट हो जाए, तो ऐसा भी संभव है। जैसे बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा रहता है आकाश पाताल और धरती तीन जगह हो सकते हैं प्राणी। तो ऐसा अगर रिसर्च हुआ तो पाताल का मतलब है कि जमीन के नीचे ही होता है ना जी, वहां भी अगर कई प्रजातियां मिल जाए, समझे। तो ये स्थितियां। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, पहले इन दोनों में अंतर समझिए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जहां पर गर्मी काफी अधिक हो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब जहां पर गर्मी काफी अधिक हो, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर ठंडा इलाका हो। जैसे हम भारत की बात करेंगे तो हमारा भारत आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, किसमें आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और इंग्लैंड सब जो आता है वो क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, वहां पर ठंडी अधिक रहती है। आप देखोगे कि जैसे अभी भारत में क्रिकेट मैच होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो भी प्लेयर्स है एकदम पूरा उसका देखा पसीना से पूरा टी शर्ट भींगा हुआ है। और अभी भी अगर कोई इंग्लैंड में कभी दौरा हो जाए जून जुलाई में भी या गर्मी के भी समय में, तो वहां देखिएगा कि हमारा जो प्लेयर है ना स्वेटर पहन करके क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर कि सालों भर ठंडी जैसा माहौल रहता है, ठंडी में कुछ ज्यादा ठंडी हो जाती है और गर्मी में भी वहां ठंडी रहती है, और कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर गर्मी काफी अधिक होती है। तो जहां पर गर्मी अधिक होती है उसे बोलेंगे क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और जहां पर ठंडी ज्यादा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अब आप लोग बताइए कि जहां पर गर्मी ज्यादा होगा वहां पर जीव होगा कि जहां पर ठंडी ज्यादा होगा वहां पर जीव होगा जी। देखो दोनों सुन लो, इधर सुन लीजिए ध्यान से, जीव सबसे ज्यादा वहां होगा जहां पर गर्मी वाला इलाका होगा, जीव वहां सबसे ज्यादा होगा जहां पर गर्मी वाला इलाका होगा। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर जीव की संख्या काफी अधिक होगी, वहां पर स्पीसीज की संख्या काफी अधिक होगी किसके तुलना में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखिएगा, पृथ्वी का वैसा भाग जहां पर गर्मी अधिक है
वहां पर जीव अधिक होंगे, क्योंकि पता है जीव वहीं सबसे ज्यादा पनपेगा जहां पर उसको संघर्ष करना पड़े। तो गर्मी वाले इलाके में इसको संघर्ष करना पड़ता है जीवों को जीवन जीने के लिए। तो जहां पर संघर्ष ज्यादा होगा धीरे धीरे जीव की संख्या वहां पर काफी अधिक हो जाएगी। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां पर जीव की संख्या काफी अधिक होगी, और जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां पर जीव की संख्या काफी कम होगी। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहां पर यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बताएंगे कि हमारे विश्व भर में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें कि आपको उसकी प्रजाति अलग अलग होती है, उन सभी प्रजातियों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया, आप समय है ना, आज के क्लास के लिए समय है बचा हुआ 5 मिनट है, चलिए। तो देखिए अब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया एक प्रकार का जीव है। आप उस बैक्टीरिया की पूरी दुनिया में कितनी स्पीसीज है, उसकी कितनी स्पीसीज है उसके बारे में जानेंगे। तो बैक्टीरिया की पूरी दुनिया में लगभग 4000 स्पीसीज है। कितना स्पीसीज है? 4000। इसमें कोई विशेष समझाने वाली बात नहीं है, इस लिस्ट को आपको याद रखना है। एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। वायरस का कितना है? 1555। और इसमें कुछ ऐड हुआ होगा कोरोना के समय, आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन वायरस का एकाध गो नया नया स्पीसीज प्रकट हो रहा था, उसका वेरिएंट प्रकट हो रहा था, इस बात को याद रखना। शैवाल का कितना है? 40,000। शैवाल का कितना है? 40,000। कवक का 72,000। आवृतबीजी का मतलब होता है वैसा पौधा जिसमें बीज होता हो, उच्च वर्गीय पौधा, समझे, जो जिसमें लैंगिक प्रजनन होता हो, समझे ना। तो इस प्रकार के पौधों की संख्या कितनी है? कितना जी? 2,70,000। 2,70,000। प्रोटोजोआ का कितना है? 40,000। कीट जो कि आपको बोले कि संपूर्ण एनिमिलिया का लगभग 70% है, पता है ना, संपूर्ण एनिमिलिया का कितना है? 70%। इसकी संख्या कितनी? 10,25,000। 10,25,000। मोलस्का जिसमें घोंघा सब आता है, घोंघा जानते हैं ना, अभी बरसात के समय में निकलता होगा, तो इसका स्पीसीज कितना है? 70,000। उभयचर यानी वैसा प्राणी जो पानी में भी रह सकता हो और जमीन पर भी रह सकता हो, जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया, कछुआ, ये सब के क्या है? उभयचर है। इसकी संख्या कितने? 4,780। पक्षी कितना? 97,000 यानी 9,700। मछली का कितना? 26,959। स्तनधारी में मनुष्य भी आता है, यानी वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो, समझिए ना। तो स्तनधारी कितना आपका है? 4,650। और इसके बाद क्या? कृमि मतलब होता है कीड़ा कितना है? 25,000। और जो सबसे लास्ट में है वह है सारी सिर्प यानी सांप। सारी सिर्प का मतलब सांप। सांप की कितनी प्रजातियां? 7,150। तो ये प्रजाति है, यानी अलग अलग जीवों की ये क्या है? प्रजाति है। तो ये तो वो जीव हो गया, अब इसमें भी और भी जीव है, देखिए ध्यान से, जिसका कि अलग अलग आपको दिया गया लिस्ट। चलिए वो तो हो गया पूरे विश्व भर में, क्या हो गया? पूरे विश्व भर में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जो जीव पाए जाते हैं उसकी क्या क्या प्रजाति की क्या स्थितियां, उसके बारे में जानेंगे। अगर हम भारत में बात करें तो बैक्टीरिया की कितनी प्रजातियां? 850। कवक का कितना? 23,000। शैवाल का 12,480। ब्रायोफाइटा का 2,850। टेरिडोफाइटा का 1,100। अनावृतबीजी का 64। आवृतबीजी का 17,500। प्रोटोजोआ का 2,577। मोलस्का का 5,070। मछली का 2,546। कीट का 68,389। उभयचर का 309। सारी सिर्प का 456। इन बार भारत में 456 को अलग अलग सांप है। पक्षी का कितना? 1,232। स्तनधारी का कितना जी? 390। और लाइकेन का
2000 लाइकेन समझते हैं ना, या एक सहजीवी होता है, लाइकेन का मतलब सहजीवी, परजीवी के तरह रहता है, किसी जीव में ये चिपक करके ये रहता है। तो आज हम लोग यहाँ लिस्ट तक इसको रहने दे रहे हैं और कल से हम आगे अध्ययन करेंगे। एक और बात ध्यान रख लीजिए आप इसमें कि ये हम लोग का 15 एक्सरसाइज है एनवायरमेंट का, तो इस जो 16 एक्सरसाइज है यानी 16वां जो एक्सरसाइज था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। उसको आप दो माध्यम से देख सकते हैं, या तो YouTube पे या फिर ऐप को विजिट करके देख सकते हैं। अगर ऐप खुलने में अगर कोई समस्या हो तो उसके लिए बस आपको जानकारी नहीं है, इसके कारण कभी कभी नहीं खुलता। एक वीडियो हम लोग बना देंगे अलग से कि ऐप में हम लोग कैसे जाएंगे और किस तरह से उसको हम लोग करेंगे। फिलहाल आपको YouTube पे तो अवेलेबल है ही, जो ही इन्वायरमेंट आपका ख़त्म होगा इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव शुरू कर देंगे। एक तरफ से एक एक्सरसाइज से 16 एक्सरसाइज तक जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना उसका डिस्कशन शुरू कर देंगे। तो इन्वायरमेंट का ये पहला वीडियो था, फर्स्ट डे, इससे पहले सॉरी 15वां एक्सरसाइज का ये पहला वीडियो है, समझे। इससे पहले हम लोग पर्यावरणीय मुद्दे का भी वीडियो कम्प्लीट हो गया, 7 वीडियो है उसमें टोटल, 7 वीडियो को देखिए, आपका एनवायरनमेंट जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा।